सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानति निरंजस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारण निर्विशेषण्यधिपाश्चादिस्तारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गुरु भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। हम सब भागवतम के प्रथम स्कंद के सातवें अध्याय के अभी 37 श्लोक हो गए, 38वें श्लोक में हम सब अभी प्रवेश करेंगे। और अभी जो अध्याय चल रहा है ये अध्याय अश्वत्थामा ने जो क्रूर काम किया, अश्वत्थामा में अश्वत्थामा अपने मन का जो वेग था, गुस्सा था, वो रोक नहीं पाया और उसने ब्रह्मास्त्र चलाने तक की जरूरत कर दी। तो ये ब्रह्मास्त्र से तो फिर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया था, तो क्या हुआ था क्या नहीं, इसको संक्षिप्त में हम सब महाभारत के उस पर्व से जानने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन पहले दो श्लोक जहां अभी भी भगवान अर्जुन से वार्तालाप कर रहे हैं उस चीज को सुन लेते हैं, क्योंकि भगवान यहाँ बोले हैं कि कैसे ऐसे व्यक्तियों को दंडित करना चाहिए अर्जुन, और ब्रह्म बंधु कहा है इसको, क्योंकि एक ब्राह्मण का बेटा होते हुए भी ऐसा क्रूर काम इसने किया है, निहत्तों पे वार किया है। तो आइए 38वां श्लोक लेते हैं। प्रतिश्रुतम च भवता पांचाल्यै शृणवतो मम अहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रः। फर्दरमोर आई हैव पर्सनली हर्ड यू प्रॉमिस द्रौपदी दैट यू विल bring forth the head of the killer of her son. तो ये मतलब अभी भी भगवान बस उस कल हम लोग ये श्लोक ले नहीं पाए थे, लेकिन कल के कंटिन्यूटी में है कि भगवान बोले और तुम तो द्रौपदी को वचन भी दिए हो ये ले आओगे, तो वो बस याद दिला रहे हैं भगवान। 39 तदसौ वध्यताम पाप आततायात्म बंधुहा भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान कुलपांसनः। दिस मैन इज एन असैसिन एंड मर्डरर ऑफ योर ओन फैमिली मेंबर्स, नॉट ओनली दैट बट ही हैज ऑल्सो डिससेटिस्फाइड हिज मास्टर हिज बट द बर्नड रेमिनेंट्स ऑफ हिज फैमिली, किल हिम इमीडिएटली। तो कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, ये बहुत बड़ा कातिल है और इसने तुम्हारे ही परिवार जनों को मारा है, तो उसके ऊपर इसने अपने ही जो बड़े हैं उनको दुखी किया है, यानी दुर्योधन को भी दुखी किया है। वैसे इस कार्य से स्वयं कृपाचार्य और कृतवर्मा पहले राजी नहीं थे, फिर ये जा ही रहा था तो फिर इसके चक्कर में वो लोग भी चले गए, तो इससे कोई खुश नहीं था। आगे जाके हम सुनेंगे स्टोरी में कैसे नारद और व्यास भी नाराज थे, तो इसलिए कह रहे हैं कि इसको मार दो। तो ये स्टोरी चलते रहेगा। मैं सोचा कि इसका जो एक महाभारत वर्जन है वो मैं आपको सुनाऊं। कुछ डिटेल्स महाभारत में अलग एंगल से ली जाती हैं और भागवतम में अलग एंगल से ली जाती हैं, तो कभी कभी आपको कुछ स्टोरी में थोड़ा अलग एंगल दिखेगा। है वो सेम स्टोरी, है वो सेम कहानी, लेकिन इस एंगल से देखेंगे तो कुछ और डिटेल्स मिलेंगे और इस एंगल से देखेंगे तो केवल एक थीम मिलेगा, क्योंकि यहाँ भगवान और अर्जुन का बात है और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहां से जो है बहुत सारे डिटेल्स हैं सबके, तो लेकिन ये स्टोरी डिटेल में जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसा क्या था कि अश्वत्थामा ने इतना बड़ा काम किया। तो जैसे मैंने पिछले एक लेक्चर पहले भी आपको बताया था कि अश्वत्थामा जो था, जब युद्ध हो गया
और यहाँ ऑलरेडी युधिष्ठिर जीत गए और सारे पांडव जीत गए थे, तो वहां पे पांडवों के पड़ाव के थोड़ा दूर ये तीनों बैठे हुए थे, अश्वत्थामा, कृपा और कृतवर्मा। ये तीनों जब वहां बैठे थे तो बड़े ही मतलब अंदर में दुखी थे, लेकिन उनको कुछ रिवेंज भी लेना था। लेकिन इसमें कृपाचार्य थोड़े सोबर थे, कृतवर्म भी सोबर था, परंतु अश्वत्थामा को जो उसके पिता का वध हुआ था उसका दुख था, और उससे ज्यादा दुख था कि दुर्योधन को मार गिरा के रखा हुआ था, उसके दोनों टांग जो है वो फ्रैक्चर हो गए थे, हड्डियां टूट गई थी, कमर की रीढ़ जो बैकबोन है वो टूट गया था। तो हर काम के पीछे एक बैकबोन होता है, तो जब हमारा शरीर भी है उसका बैकबोन है, तो बैकबोन टूट गया तो वो कुछ नहीं कर सकता, और वो वही लेटा हुआ था, कुहूर रहा था और अपने स्वर्ग जाने की समय का इंतजार कर रहा था। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा अंदर से द्वेष और जलन अश्वत्थामा को हो रही थी। उसका कारण भी था, उसका कारण ये था कि अश्वत्थामा, देखिए जिसके पास जितना बैकअप होता है ना वो उतना ज्यादा मतलब गुस्सा रखता है कि इतना होते हुए भी मैंने कैसे नहीं किया। तो अश्वत्थामा के पास एक मणि था जो उसके सर पे था, ये मणि से उसको बहुत सारे अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकते थे, ऐसा पावर था उसमें, कभी बीमार नहीं गिरेगा, सभी देवताओं का आशीर्वाद रहेगा, ऐसा मणि था उसके पास। और दूसरा उसे उसको अब उनके ही पिता ने, द्रोणाचार्य ने जो है ब्रह्मास्त्र का ज्ञान सिखा दिया था। हालांकि उन्हें जो सिखाया तो बड़े ही रिलक्टेंट वे से सिखाया, मतलब उनको द्रोणाचार्य को ऐसा लग नहीं रहा इसको सिखाना चाहिए, पर अब अपना बेटा है करके थोड़ा एक नेपोटिज्म कह सकते हैं, या थोड़ा सा एक लगाव के कारण उन्होंने उसको सिखा दिया। लेकिन उसको देने के बाद कहा कि बेटा इसका कभी इस्तेमाल मनुष्यों पे नहीं करना, अगर तुम्हारा भी तुम भी नाश हो जाओ तो भी बदला लेके मत जाना, तुम इसको केवल और केवल किसी बड़े धार्मिक काम के लिए, किसी अच्छे कंस्ट्रक्टिव काम के लिए इसको यूज करना। लेकिन होता है कि आप जो सोच के काम करते हैं वैसे होता नहीं है एक्सैक्टली। क्या था कि आप लेके रखो ब्रह्मास्त्र। अब अश्वत्थामा का बैक ऑफ द माइंड में था कि मेरे पास इतने पावर्स हैं तो मैं ये कैसे फेलियर को एक्सेप्ट करूं। देखिए फेलियर जो है वो आपका नहीं है, क्योंकि हर चीज का काल होता है, हर चीज का एक समय होता है, प्रारब्ध होता है, स्थितियां होती हैं, ये आप और मैं डिसाइड नहीं करते, ये नियति पहले से डिसाइड करती है। हम और आप प्यादे की तरह खेलते रहते संसार में। तो अश्वत्थामा को लगा कि मेरे पास इतना सारा शक्ति है, मैं अब सारा बदला लूंगा। तो देखिए अब उसने क्षत्रियो की तरह सोचना बंद कर दिया, ऑलरेडी ब्राह्मण था लेकिन क्षत्रिय बन गया था, क्षत्रिय की तरह युद्ध कर रहा था। उतना होने के बाद अब वो नराधम की तरह सोचने लगा था, राक्षसों की तरह सोचने लगा, और उसने कोई एथिक्स फॉलो नहीं किया। क्षत्रिय तब तक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करता है, लेकिन अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट ही फॉलो नहीं करेगा, कोई सो रहा है उस पर वार करेगा तो एथिक्स टूट जाते हैं। तो अब उस रात को जिस जब ये लोग रुके थे, तो रात का समय हो गया और बहुत उत्तेजित था अश्वत्थामा, और उस क्या करूं क्या करूं उसे आइडिया नहीं आ रहा था, आइडिया आना चाहिए ना कुछ। तो उसने देखा कि बहुत सारे कौवे हैं, उनके झुंड में एक आउल यानी उल्लू बैठा हुआ है और उनको मार मार के खा रहे हैं, और ये कौवे जो तब सोए थे, ये देख के इसको आइडिया आया। इसने इसने जाके बताया कृपाचार्य और इनको कि क्या क्यों ना हम जाके इनको रात में मारें। तो कृपाचार्य बोले ये अच्छा चीज नहीं है, तो उनका सिंपथी लेने के लिए कहा देखो मेरे पिताश्री को मारा और उनका हालत देखो, अगर हम बदला नहीं लेंगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे, कैसे कहलाएंगे कि हम एक अच्छे सेवक थे। तो थोड़ा सा आउटरेज हो गया,
और फिर भी कृपाचार्य ने समझाया कि देखो ऐसा नहीं है, हमें ऐसा करते हैं क्यों ना हम चलते हैं हस्तिनापुर और धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर इन सब का ओपिनियन लेके, इन सब का मत लेते हुए आगे का कुछ प्लान बनाए। तो अश्वत्थामा बोला कि देखो ऐसा है, सबके पास ज्ञान है, नॉलेज और बुद्धि सब है, लेकिन अभी मुझे क्लियर लग रहा है कि सिर्फ मेरी बुद्धि काम कर रही है, आप दोनों की भी बुद्धि काम नहीं कर रही। कभी कभी आदमी है ना अपना ही बात बताने के लिए सब करता है। कभी कभी व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा हो या पावर हो तो अपने से बड़ों को भी वो चैलेंज करने में चले जाता है, स्पिरिचुअल पावर से लड़ने चले जाता है और फिर वो अपना ही नाश करता है। वैसे यहाँ पे ये जानते हुए कि पांडु पुत्रों को भगवान का आशीर्वाद है, फिर भी ये अपना नाश करने पहुंच और अपने ही लोगों को कन्विंस कर रहा है। क्योंकि क्या होता है, जब दो ग्रुप बनते हैं तो आप अपने ही नैरेटिव को अपने लोगों के बीच रखते हैं, उनको उनको बताते हैं, उनको दूसरा नैरेटिव पता नहीं चलता है, वो छुपा के रखते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं तो सामने वाला पूछने नहीं जाएगा, तो उसी झूठ को सच मान के जिंदगी काटेगा। तो इधर क्या हुआ कि अश्वत्थामा अपना घोड़ा लेके, रथ लेके निकला, सीधा निकला। अब देखा ही निकला है तो इसको सपोर्ट करने के लिए कृपाचार्य और कृतवर्मन भी पीछे पीछे गए। और उस गेट के पास जब वो गेट पे पहुंचे तो एक बहुत बड़ा राक्षसी चेहरा, हजार चेहरों वाला, हजारों आंखों वाला, पूरा खून से लथपथ, ऐसा एक आसुरी जिसके आंख नाक कान से आग उगल रहे हैं, तो ये गेट पे खड़ा था और रक्षा के लिए पांचाल प्रदेश में। तो इसने बाण लिए और सब मारे, तो सब नियत वो कुछ नहीं हुए, मतलब सारे जो असुर जो है सारा कुछ भी जो है तकलीफ नहीं हो रहा था। तो अब ये राक्षस को कैसे मारे, तो उन्होंने फिर भगवान को स्मरण किया, शिव जी को उतरा और शिव जी की भूरी भूरी स्तुति गाई, जैसे हम लोग रावण का तांडव स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र भी सुनते हैं ना, तो वैसे अश्वत्थामा ने भी जो कुछ स्तोत्र गाए। शिव जी जो है एक ज्योति के समान उधर आए, उस ज्योति से राक्षस ये सब सब निकलने लगे। किसी के पांच सर हैं तो किसी को हाथ नहीं है, तो किसी का सर ही नहीं, किसी का कान, मतलब ऐसे ऐसे अजीब चीजें, अजीब जो आप डिस्क्राइब भी करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे चीजें वहां से निकलने लगी और शिव जी स्वयं प्रकट हुए। और यहाँ पे अश्वत्थामा ने पूछा कि प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को ये करना ही है। तो बोले देखो वैसे भी अब पांचालों का जो समय है वो भी आ गया है, तो इसलिए मैं तुम्हें मदद करूंगा और तुम्हें निमित्त बनाऊंगा। तो शिव जी जो है स्वयं उसमें प्रवेश कर जाते हैं अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा जो है फिर वहां से निकल के तो इनको बोलता है, इन दोनों को, कि तुम बाहर रुकना, जो भी गेट के बाहर भाग के आए मेरे गुस्से से उनको यहां मार देना और मैं अंदर मारूंगा। और अंदर जाते ही उसने देखा कि दृष्टद्युम्न जो है, जो जिसने एक्चुअली जिसका यज्ञ से प्राकट्य हुआ था केवल द्रोणाचार्य का वध करने के लिए, तो वो सोया हुआ था, उसके खेमे में गए और उसको जोर से लात मारा कमर पे, वो गिरा, उसको कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि सुध-बुध में वो था नहीं, क्योंकि उसको उसको समझा नहीं कौन मारा। और फिर वो लात से लात मारा जा रहा था, गले पे लात मारा, इधर मार रहा उधर मार रहा है, बहुत मारा, अपने पिता का बदला लिया। दृष्टद्युम्न कुछ अस्त्र उठाए भी तब तक उसको दृष्टद्युम्न को मार के गिरा दिया। और उनकी जो पत्नियां थी, पत्नी और छोटे बच्चे, तो देख के मतलब उनको समझा ही नहीं क्या हो रहा है। और क्योंकि अश्वत्थामा जो है मारापीटी में पूरा एकदम आउटरेज रेज में था, एकदम गुस्से में था, कुछ समझ नहीं रहा था, उसने उसको मारा। उसके बाद वहां से वो आगे गए, आगे गए तो एक मिनट में नाम पढ़ना हो गया, उत्तमानुज और युधान वहां सोए थे और उनको भी जोर जोर से मारा दोनों को। तो उत्तम उत्तम उसको भी मारा और इसको दोनों को भी, फिर वहां दोनों का भी वध कर दिया। और दोनों का वध कर दिया, वैसे दोनों भी लड़े बहुत अच्छे से, फाइट किया। और क्या हुआ, तब तक दृष्टद्युम्न के वॉरियर्स भी वहां आए थे, योद्धा,
जो पहले देखे थे कि यहाँ मर गया, तो वो भी वहां लेके आए, उनको भी मार दिया, अश्वत्थामा ने उन सबको मार दिया। फिर उसके बाद वहां जो जितने भी हाथी और घोड़े थे इन सबको भी मार दिया। तो जो पूरा पांचाल का जो टेंट था पांडवों का उधर वाला, वो पूरा ऐसी प्राणियों से इनसे भरा पड़ा था। अब उसके बाद उन्होंने जाके जो पांडु के पुत्र हैं पांच, इनको इनके खेमे में गए और पहला प्रतिविंध के पास गए और प्रतिविंध को अटैक किया। और प्रतिविंध ने उसको बहुत, मतलब उसने भी बहुत फाइट किया, बच्चा था लेकिन पूरा फाइट किया, लेकिन लास्ट में वो जो तलवार है वो पेट में बोक के इसने मार दिया। उसके बाद सूतसोम नाम का जो दूसरा बेटा था पांडु का, द्रौपदी का, उसका जो है उसने भी तलवार उठाया तो उसका हाथ काट दिया और फिर उसका सर काट दिया। और शतनिक करके था, उसने देखा तो उसने जो व्हील है जो रथ का पहिया होता है उठा के भागा, फेंका, उसने छाती पे लिया तो थामा है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसने इसका भी जो है सर धड़ से अलग कर दिया। श्रुतकर्मन करके था, वो गदा उठाया और बहुत जोर से प्रहार किया छाती पे, सब जगह सर पे भी मारा, लेकिन फिर भी इसको कुछ नहीं हुआ। और फिर इसने उसे भी जो है तलवार से मुंह पूरा उसका छिन्न छिन्न कर दिया। और फिर श्रुतकीर्ति जो था इसने भी बहुत सारे बाण चलाए, पर अश्वत्थामा जो है वो फिर उसका भी सर जो है अंत में उसने काट दिया। ऐसे पांचों बच्चे जो थे द्रौपदी के पुत्र थे, जो वहां दृष्टद्युम्न के देखरेख में थे, उनका भी इस अचानक से आके रात को जब सोने का समय है, युद्ध का समय नहीं है, उस समय आके वार किया था। तो ये कायरता के लक्षण है, यानी सामने वाले को नहीं बता के वार करना, ये कायरता के लक्षण है। डिफेंस करना अलग है, जैसे पांडव के जो खेमे में ऊपर वो गार्ड असुर, एक बहुत बड़ा राक्षस था जो गार्ड कर रहा था, तो गार्डिंग के लिए था, वो अटैक नहीं कर रहा था। तो डिफेंस में कुछ करना, वो भी करना ही होता है, लेकिन डिफेंस होता है, उसमें आपको पाप नहीं लगता। लेकिन जब आप अटैक करते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं, तो बिना रूल्स के जो है ये अटैक कर रहा था। इसके बाद जब इतना सारा देखा तो शिखंडी आया, शिखंडी ने और उसके सारे योद्धाओं ने मारा, लेकिन लास्ट में शिखंडी का भी जो है, पहले शिखंडी ने उसके आईब्रो को मारा, आंख का जो वो है वह मारा, लेकिन लास्ट में उसने शिखंडी को भी मार दिया। उसके बाद द्रुपद के जितने भी बेटे और बेटों के बच्चे थे इन सबको भी मार दिया। ठीक है, ये कितना बड़ा है, एक मैसेकर था देखो। और मतलब सोचो अंदर का रेज कितना हो सकता है आदमी का, द्वेष का। तो ऐसा कहते हैं कि पांडवों को तभी तभी जो वहां थे उनको काल रात्रि के दर्शन हो रहे थे। काल रात्रि यानी जो मृत्यु का समय आता है, तो उधर उनको एक काली औरत, एकदम काली औरत, एक लाल कपड़ा, एक ही लाल कपड़ा पहने हुए और उसका पूरा खून निकल रहा है शरीर से, लाल हार ऐसा पहन के वो घूम रही है, ऐसा दिख रहा था। तो ये काल रात्रि है, ये कौरवों को दिखा था युद्ध से पहले, पांडवों को जो है उनको अभी दिख रहा था पांचाल। तो फिर कृप और कृतवर्मन क्या कर रहे थे, ये जितने भी बाहर लोग आ रहे थे हजारों की संख्या में सबको मार दिया, सब जितने थे सबको मार दिया था। उनमें से कई लोगों ने दया भी मांगी कि हमें छोड़ दो, हम आपके शरणागत हो जाते। तो एक नियम है कि अगर कोई शरणागत हो जाए तो उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन यहाँ इन्होंने वो भी नहीं किया, मार दिया। तो और उसके बाद जो पूरा कैंप था पांडवों का उधर, उसको पूरा आग लगा दिया। तो देखो अगर अटैक करना था तो पांडव जहां थे वहां करता, पर कहीं और जाके अटैक करता है, ये दुर्बलता और कायरता का लक्षण है। तो यहाँ पे फिर ये तीनों दुर्योधन को ये खुशखबरी देने के लिए निकले कि देखो हमने कितना बड़ा पराक्रम किया। तो जब वो दुर्योधन के पास गए तो दुर्योधन एकदम मतलब ज्यादा बोलने की स्थिति में भी नहीं था। तो पहले इन्होंने ये न्यूज दिया कि हमने उनको मारा है, तो ये वैसे खुश हुआ कि अरे वाह
तुमने वो काम कर दिया जो कर्ण, द्रोणाचार्य और भीष्म नहीं कर पाए, तुमने कर दिया। लेकिन जब उसने बताया कि 5 पांडवों को मारा है, तो दुर्योधन थोड़ा वो हो गया कि अरे ये नहीं करना चाहिए तुमको, क्योंकि वो बच्चे हैं और तुम्हारे लेवल के भी नहीं। तो वो तभी तभी वो नाराज हो गया था। उसके बाद अश्वत्थामा ने कहा कि देखो, आप जब अभी जाओगे तो स्वर्ग जाओगे, तो मेरे पिताश्री भी तुम्हें स्वर्ग में मिलेंगे, तो उन्हें जाके कहना कि मैंने उनका बदला ले लिया। अब यहां से जो ये बात है, सात्यकी, कृष्ण और 5 पांडव, इनका भी मैं वध करूंगा। और यहाँ पे ये हो गया इधर का सीन। फिर इधर जो है युधिष्ठिर को खबर पहुंची है, तो युधिष्ठिर भीम को बोलते हैं, भीम जाओ और जो है तुम सबका नाश कर दो। और द्रौपदी कहती कि उसका सर फोड़ के उसका ज्वेल समय रहती है। लेकिन कृष्ण जो है वो देखते हैं और युधिष्ठिर को समझाते हैं कि देखो, एक्चुअली भीम भी जाएगा तो उसका भी अच्छा समय नहीं होगा, क्योंकि उसके पास ब्रह्मास्त्र है, तो हमें भीम को रोकना होगा। और अर्जुन युद्ध करेगा, अर्जुन के पास भी ब्रह्मास्त्र है। तो युधिष्ठिर, अर्जुन और कृष्ण रथ में जाते हैं और भीम को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, उसको आगे जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऑलरेडी भीम आगे पहुंच गया रहता है। गंगा किनारे व्यासदेव, नारद इत्यादि बैठे रहते हैं, और यहाँ ये अश्वत्थामा जो है वो कुश के कपड़े पहन के बैठा रहता है। कुश का जो ग्रास होता है उसका कपड़े पहन के बैठा रहता है। और जब वो बैठा रहता है तो वहां पे भीम आता है और इसको खोजता है, और उतने में ये सब भी यहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन तब तक भीम उसको चैलेंज करके युद्ध के लिए बुलाता है, तो ये डर जाता है। डर के मारे क्या करता है, ये ब्रह्मास्त्र को रिलीज कर देता है। और जो ही ये ब्रह्मास्त्र को रिलीज करता है तो ये बहुत तेज आता है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, तुम इसको काउंटर करो, नहीं तो ये नाश कर देगा पूरा। तो ये पूरा काउंटर करने के लिए ये भी ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। तो जब ये भी ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं तो बहुत हीट होता है। तो नारद मुनि और व्यास अपने में वो हीट को समाहित कर लेते हैं और उसको कहते हैं कि तुमने जो किया है, मतलब बहुत अच्छे से व्यास जी उसको समझाते हैं कि देखो, तुमने जो किया है ना, ये कायरता का काम है, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। और दूसरा बात, तुमने जो किया है ये वॉर के समय ठीक था, वॉर के बाद तुमने सब किया है, जब ऑलरेडी पांडवों को विजय घोषित कर दिए गए हैं, तो ये क्रूर के लिए तुम्हें जो है भयंकर सजा मिलनी चाहिए। तो उनको ऑप्शन देते हैं कि आप ये जो है पीछे ले लो और इसको बंद करो। तो अर्जुन बोलते हैं कि देखो, मैं ले लूंगा, पर इसने इसने जो है वो जो ब्रह्मास्त्र है वो पीछे लेना है, और इसने अपना सर का वो निकाल के देना है, और इसको हम बंदी बना के ले जाएंगे, और तब हम इसको जीवन दान कर सकते हैं, नहीं तो इसका वध करेंगे। तो ये जानता था कि मैंने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो छोड़ दिया, तो अब व्यास देव के ऑर्डर्स थे। तो फिर वो बोला कि ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा, व्यास देव ने, कि तुमने जो छोड़ा है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, जो समझा, जो टेक्निकली समझना वो है, तो एक पार्ट फिर भी बचेगा, तो वो क्या करना है। तो फिर भगवान कहते हैं कि उत्तरा के गर्भ, क्योंकि पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो उत्तरा के गर्भ में वो जाएगा, और उत्तरा गर्भ में जाने के बाद भगवान प्रवेश करके वापिस परीक्षित को शरीर देके उसके बचा लेंगे और ये अस्त्र हट जाएगा। तो इसे जो है फिर लास्ट में अश्वत्थामा को बंदी बना के ले गए, जहां तक हमारा भी स्टोरी आया था, और आगे जाके द्रौपदी उसको क्षमा कर देने वाली है। लेकिन भगवान ने वहां पे उसको श्राप दिया था, जैसे महाभारत में वर्णन आता है, तो यहाँ लिखा है कि कहा था कि तुम 3,000 साल तुम ऐसे भटकते रहोगे। तो अभी तो वैसे 3,000 साल से ज्यादा हो गया है, तो ये पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या अभी है, वो लोग बोलते कि अभी भी है, लेकिन महाभारत में वर्णन आता है। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा था कि
ये अश्वत्थामा इतना बदमाश था कि एक बार गया था द्वारका, जब पांडव एग्जाइल में थे यानी वनवास में थे, तो अश्वत्थामा के पिताजी ने जब उसको सिखाया था सब कुछ तो थोड़ा रिलेक्टेंट थे, तो ये देख के थोड़ा उसको लगा कि मेरे पास और भी पावर्स होने चाहिए, इससे भी बड़ा कुछ होना चाहिए ताकि मेरे पिताजी को पता चले कि मैं बहुत कुछ मेरे पास है। तो वो वहां पे गए और उन्होंने क्या नाम है जो कृष्ण है, द्वारका में गए और कृष्ण के द्वारका में जाके कृष्ण की बड़ी स्तुति की और कृष्ण से कहा कि सुनो, मैंने सुना है तुम्हारा सुदर्शन है तो मुझे चाहिए था। तो बोले हाँ ले लो, वो रखा हुआ है ले लो। तो जब वो सुदर्शन लेने गया तो उससे उठ ही नहीं रहा था, चलाना वालाना छोड़ दो, उससे उठ ही नहीं रहा था। तो वो बोले देखो मैं तो तुमको दे दिया है लेकिन तुम तो ले नहीं पा रहे हो। तो बोले अच्छा अगर तुम ये मिल भी जाता, अगर तुम्हें सुदर्शन मिल जाता तो तुम क्या करते इसका? तो बोले मैं तुम्हारा वध करता। ये देखो ये ऐसी मेंटेलिटी होती है, इसलिए कई बार हमसे लोग दान मांगते हैं और हमें ही बर्बाद करने के लिए। कई बार लोग अपना मजबूरी दिखाते हैं, आपसे मदद मांगते हैं और उस मदद से आप ही को बर्बाद करने आते हैं। तो ऐसे लोगों को दंडित करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे अश्वत्थामा का जो ये एपिसोड है, इसके लिए भगवान ने कहा अर्जुन को कि इसको छोड़ना नहीं है। और आगे हम देखेंगे कैसे द्रौपदी इसको मतलब दंडित भी होता है नहीं भी, और आगे इसके लिए कैसे पनिशमेंट है वो हम अगले वर्सेस में देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। किसका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस वरद। हरे कृष्ण, हाँ आपने प्रभु। ये क्वेश्चन का आंसर पहले भी दिया है या मुझे याद नहीं है, बट एक बार फिर से पूछता हूँ कि ये जो पार्ट है भागवतम का, तो ये कब, उसका टाइमलाइन क्या है, कब रचा गया था ये? भागवतम जो है एक सिनॉप्सिस फॉर्म में पहले भी रचा था, और फिर सुखदेव गोस्वामी को बताने के बाद जब सुखदेव ने परीक्षित को बताया और ये सूत ने शौनकादि ऋषियों को बताया सुत गोस्वामी ने, तो वहां व्यास देव थे, फिर उन्होंने बृहत बनाया, उसको बड़ा बनाया। तो भागवतम पहले भी था बाद में भी था, और ये उसी समय है महाभारत से पहले। महाभारत से पहले सिनॉप्सिस भागवतम था और महाभारत के बाद बृहत वाला आ गया डिटेल्ड। जी हरी बोल। यस किसी का कोई हरे क्वेश्चन? कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु बोलिए। हाँ प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था, जैसे माता पिता या गुरु है, जैसे शिष्य को या अपने बच्चों को समझाते हैं तो कुछ न कुछ समझ आता है, तो वो तो स्वयं कृष्ण भगवान थे प्रभु जी नारायण, तो उन्होंने दुर्योधन को इतना समझा, वो किस वजह से क्यों नहीं समझ पाए, उसको तो स्वयं भगवान समझा रहे थे। नहीं ऐसा नहीं होता है, जीव का स्वतंत्रता है ना, जीव स्वतंत्र है, यही तो चीज है, जीव के पास फ्री विल है। और इसमें आपको एक स्टोरी में एक चीज बताना भूल गया कि लास्ट में युधिष्ठिर महाराज और पांडवों को भगवान समझाते हैं कि देखो इसका इनका वध जो है वो अश्वत्थामा ने नहीं किया है। भगवान शिव जी ने देखा कि इनका काल हो गया है, समय हो गया है, और अश्वत्थामा निमित्त बना, तो अश्वत्थामा का इस्तेमाल करके किया गया है, तो तभी जाके पांडव शांत हुए। कि काल जो है भगवान शिव जी जो महाकाल है, तो जब समय आता है तो वो आपसे आपका शरीर छीन लेते हैं। तो ये दुनिया में कौन गया? पर भगवान जो है, भगवान देखो भगवान न्यूट्रल पार्टी प्ले करते हैं। भगवान ने उधर क्या कहते हैं उसको, और दुर्योधन को समझाया, मौका उसको भी दिया, पर उसने अपना फ्री विल इस्तेमाल करते हुए भगवान और उनके भक्तों से द्वेष किया, तो उसका उसने परिणाम भुगता। ऐसा है, भगवान समझाते हैं। अभी गीता में इतना समझाया, कितने लोग भक्त बनते हैं। ऐसा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये शिव जी ने अन्याय पूर्वक ऐसा दंड क्यों दिया? अलग प्रकार से भी तो काल उनको मार सकता था ना, ऐसा क्यों हुआ?
नहीं, ऐसा रहता है कि देखो जो मतलब जैसे क्षत्रिय होते हैं ना, उनके लिए युद्ध से मरना मतलब इनको जो लमार मार तलवार से मरते हैं तो उससे कुछ उनको प्रॉब्लम नहीं होता है। इनफैक्ट अश्वत्थामा बोल रहा था कि अश्वत्थामा नहीं, यही है अभी शायद, मतलब पॉइंट ये कि कहा, मैंने कल ही कोई पास्ट टाइम सुना था, उसमें वो बोलता है कि तुम मुझे क्षत्रिय की तरह मारो। तो और यही धृष्टद्युम्न को लात से मार रहा था ना, तो बोला तुम मुझे क्षत्रिय की तरह मारो अश्वत्थामा को, लेकिन वो उसका अपमान करने के लिए लात से मारे जा रहा। तो मृत्यु से नहीं डरते क्षत्रिय, लेकिन यहाँ जो था वो घात हुआ। और युधिष्ठिर महाराज अंत में कहते भी हैं कि यहाँ केयरलेसनेस हुआ है, तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनालिसिस है, लेकिन क्षत्रियों को ऐसे मृत्यु से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वह मृत्यु देखो, हमें लगता है कि कोई आराम से बैठ के मरा है, वो सिर्फ हमको तड़पते हुए दिखता नहीं, अंदर से वो ऑलरेडी तड़प तड़पता है। तो वैसे हमको ये बाहर से तड़प दिखती है, लेकिन अंदर से भी जो बैठ के बेड पे सो के मरता है उसको भी तड़प होती है। शरीर छूट गया ना, सब छूट गया, दर्द तो होता है, आसक्ति का दर्द होता है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि जो धर्म है इसके बारे में कौन किसी ग्रंथ में जानकारी होगी, तो वो कौन से ग्रंथ है जिसमें बताया है कि पत्नी का धर्म क्या है, या पिता का धर्म, या पुत्र का धर्म, क्या ये धर्म मनुस्मृति, मनुस्मृति मनुस्मृति में दिया है। हाँ, में? मनु बिकॉज मनुस्मृति कई बार ऐसे होता है कि आवेश में आके या बहुत सारा गुस्सा आता है या बहुत सारा डर लगता है, तो स्वाभाविक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से कोई भी गलत काम कर देते हैं। जैसे अश्वत्थामा को बहुत गुस्सा आया या एनरेज था, तो उसने ये वाला काम किया जो धर्म के विपरीत है। तो ऐसी जानकारी क्या मनुष्य को होना जरूरी है कि धर्म कैसे पाला जाता है, क्या किया जाता है? क्या मनुस्मृति के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है हर जीव को? देखिए, एक्चुअली मनुष्य जीवन है ना, ये धर्म समझने के लिए ही बना हुआ है। अगर मनुष्य जन्म में आके हम धर्म नहीं समझेंगे, धर्म की व्याख्याओं को नहीं समझेंगे, तो हम ऐसे भी प्राणियों की तरह जी रहे हैं, हम ऐसे भी प्राणियों की तरह जी रहे हैं। तो मनुष्य मतलब धर्म। अब धर्म क्या है, धर्म के अलग अलग एंगल होते हैं। जैसे शरीर है तो हमारा शरीर एक लेवल का बना हुआ, जैसे मैं पुरुष हूं, कोई स्त्री है, तो इस शरीर का एक धर्म बनेगा, उसको कहते हैं शारीरिक धर्म। धर्म यानी गुण, क्वालिटी एंड एंड एक्शंस एसोसिएटेड विद दैट क्वालिटी। यानी मैं पुरुष हूं तो कुछ ये चीजें मुझसे एक्सपेक्टेड है, ये चीजें। स्त्री है तो ये चीजें एक्सपेक्टेड है, ये हो गया शारीरिक धर्म। अब उसमें मैं शूद्र गुणों से हूं तो उसका एक धर्म होता है, मैं ब्राह्मण गुणों से हूं तो उसका एक धर्म होता है, क्षत्रिय गुणों से हूं तो उसका एक धर्म होता है। उसके बाद मैं किस वर्ण और आश्रम का पालन कर रहा हूँ, मैं ब्राह्मण कार्य हूँ, क्षत्रिय वैश्य हो गया, फिर मैं ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थ हूँ, संन्यास हूँ, स्पिरिचुअल ऑर्डर क्या है मेरा, तो उस रोल को भी मुझे प्ले करना होगा, वो रोल मुझे प्यूरिफाई करेगा। उसके बाद हमारा मानसिक धर्म होता है, मनोधर्म। तो मन का भी एक साइकिल है, तो जैसे बच्चा होता है तो बालिश होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ऐसा कर करके। तो मन का जहां जहां धर्म है वो पालन करना चाहिए। उसके बाद हमें आत्म का धर्म पालन करना चाहिए। आत्म यानी आत्मा जो है भगवान का सेवक है, तो हमें भक्ति या किसी भी योग माध्यम से, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, किसी भी योग के माध्यम से आत्मा की गति को आगे बढ़ाते जाना है। और इन इन धर्मों का पालन करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, धर्म का पालन नहीं करेंगे तो नीचे खींचे जाएंगे। ऐसे जैसे कोई पालन ना करो तो फिर क्या होगा, फिर वो अपने आप धर्म नीचे गिरेगा। कोई गृहस्थ है, वो गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करेगा तो क्या होगा, वो अपने आप नीचे गिरेगा। तो क्या होता है कि इसको कहते हैं धर्म। और क्या, कब कब, किस उम्र में, किसके साथ क्या क्या होना चाहिए, ये स्वयं मनु ने लिख दिया है, इसलिए उसको मनुस्मृति कहते हैं।
उसको कई बार आजकल के लोग ऐसा जला के या फिर उसको दिखाते हैं, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग 1947 से पहले जब लोग मनुस्मृति का पालन करते थे सब खुश थे, 47 के बाद डेमोक्रेसी का पालन करके सब परेशान है। राजनेता परेशान है, समाज परेशान है, पुलिस परेशान है, चोर भी परेशान है, मतलब ढंग से कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये हमें लगता है, स्त्रियों को लगता है हमको लिबरेशन मिल गया लेकिन वो भी परेशान है, पुरुष को लग रहा है कि हम फ्री हैं लेकिन वो भी परेशान है, तो इनफैक्ट प्रॉब्लम्स और बढ़ गए। लेकिन अगर वर्णाश्रम का पालन करते हैं, मनुस्मृति के हिसाब से अगर हम जीना चालू कर दें, तो आराम से बच्चे का मुंडन कब होना चाहिए, गर्भदान संस्कार क्या है, और फिर बच्चा होने के बाद उसको कब तक ध्यान देना चाहिए, माँ ने क्या करना चाहिए, पिता ने क्या करना चाहिए, फिर बच्चे ने बड़ा होके क्या करना चाहिए, विवाह किस एज में करना चाहिए, सब दिया हुआ है। लेकिन अगर हम ये मनुस्मृति पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर हम अपनी स्मृति को पालन करेंगे, अपनी छोटी छोटी बुद्धि को, तो इस बुद्धि से जो भी आएगा उसका पालन करेंगे और क्या होगा, वो हमारा, हम अपने मन के राजा बनेंगे, मन मौजी हाँ माया का फौजी, मन का मौजी माया का फौजी बोलते, तो फिर आप अपने मन से जो कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा। तो धर्म की सारी व्याख्याएं मनुस्मृति में है, उसके अलावा बहुत सारे और धर्म शास्त्र हैं, जैसे महाभारत भी धर्म शास्त्र है, रामायण भी धर्म शास्त्र है, और ऐसे बहुत सारे और धर्म शास्त्र हैं, क्योंकि धर्म जो है ना वो सारे शास्त्र ही धर्म के लिए हैं, तो वैसे तो सारे शास्त्र ही हैं, लेकिन जैसे अभी माता अनुसुईया ने माता सीता को स्त्री धर्म का ज्ञान दिया रामायण में, तो बताया कि पति के साथ कैसा रहना चाहिए, जबकि माता सीता ही सभी के क्या कहते हैं उसको, क्या सभी के ज्ञान की वो खुद स्रोत है, लेकिन वहां जाके वो आदर्श बन के अनुसुईया से ले रही है ज्ञान कि कैसे एक पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए, किन किन विपरीत परिस्थितियों में भी उसे मौन रखना चाहिए। तो नहीं बोलेंगे तो फिर ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा, लंग कैंसर, ये यू नो ऐसे कैंसर होते हैं, कैंसर होने लगेंगे, जो नहीं बोलते और दबा के रखते हैं तो उससे कैंसर सेल्स बढ़ते हैं, जो बड़बड़ करते हैं ना कभी उनको कैंसर नहीं होता, आप देखना जो बड़बड़ करते रहते हैं, दिल का खुला रहते हैं उनको नहीं होता है, जो दिल में गांठ बना लेते हैं तो गांठ का गांठ फिर कैंसर बनता है। तो इसलिए बोलना भी चाहिए, ऐसे नहीं कि तो हमेशा डर के रहना चाहिए, बोलना भी चाहिए, लेकिन कब बोलना चाहिए और किस लिए बोलना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर अगर लोग सिर्फ कमर्शियल जीवन जी रहे हैं, पति पत्नी भी, माता पिता, बच्चे, भाई बहन, तो कौन मतलब ये रिश्ते संबंध बना के धर्म काम करने में और पैसा जमा करके जीवन व्यापन करने में, इन दोनों के बीच में जो आजकल का जीवात्मा लटका हुआ है, तो धीरे धीरे हम लोग उसी के लिए पांडव जन निर्माण कर रहे हैं, ताकि सभी लोगों को ये पता चले कि वर्णाश्रम क्या है क्या नहीं। तो ऐसा है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बात बोलना था मुझे, क्वेश्चन नहीं है प्रभु जी। प्रभु माता जी को जी जवाब करने, माता जी को जवाब बात करने दो, फिर आप इसके बाद क्वेश्चन पूछो। अच्छा माता जी ने माता जी ने रिप्लाई नहीं किया, माता जी को रिप्लाई करने दो, फिर आपसे हम क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, हाँ माता धन्यवाद। जी, हरे कृष्णा ठीक है, हरे कृष्ण जी। सुमित जी बोलिए। प्रभु जी, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, तो एक ब्रिटिश फॉरेनर थी, ठीक है, रिपोर्टर थी, वो मोदी जी से पूछती है क्या कि आप ह्यूमन राइट्स के बारे में तो नहीं सोचते हैं। तो मोदी जी जवाब देते हैं कि आप अब मुझे सिखाएंगे ह्यूमन राइट्स क्या होता है, यू फॉरेनर्स विल टीच अस व्हाट इज ह्यूमन राइट्स। नहीं, ये बात सही है एक्चुअली, जैसे और ये सब है ना प्रोमोटेड था, जैसे ऐसा नहीं था कि शूद्रों को एंट्री नहीं था, ऐसा कभी नहीं था, ये सब बनाया हुआ हल्ला है, ये विक्टिम कार्ड खेलने का काम है। अगर अगर इनको एंट्री नहीं था तो आज एंट्री है, तो आज वो खुद गीता नहीं पढ़ते, तो बेसिकली आपको गीता पढ़ना ही नहीं था, तो नहीं पढ़ना था इसलिए आपको सेवा में, आप सेवा में थे। अब वो झूठों का कुछ भी मतलब बड़े आदमी के ऊपर ब्लेम लगा दो और अपने आप को बस हीरो बना लो। हाँ, जैसे कभी कभी लोग नकली डोमेस्टिक वायलेंस लगा देते पति के ऊपर और फिर उससे पैसा निकालते रहते, वो बेचारा पति परेशान रहते, कमाओ और फिर इसको दो। तो ये मेथड नहीं है, ये जो है ना ये मॉडर्न मेथड, और फिर कुछ करो तो ह्यूमन राइट्स पे आ जाते हैं, खुद उधर वो लोग बकरी काट के खाएंगे, गो हत्या करेंगे, सब करेंगे, और बाद में ह्यूमन राइट्स के लिए आंसू बहाएंगे। तो
हिपोक्रेसी है सोसाइटी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? आपने पूछ लिया कृष्ण लाल जी स्टार्टिंग में, कोई और है? हरे कृष्ण प्रभु जी, सवाल नहीं पूछ रहा वो। हाँ तो बोलिए प्रभु जी। कृष्ण लाल जी बोलिए फिर। नहीं नहीं नहीं, कृष्ण लाल जी बोलेंगे, फिर शशि मत्ता जी बोलेंगे, फिर राहुल जी आप पूछेगा। पढ़ो। यस कृष्ण लाल जी। प्रभु जी कई बार देखा प्रभु जी, हमने भी वो जैसे हमारी गीता को भी जला देते हैं तो वो अच्छी बात नहीं होती ना, वैसे अपने आप को वो मान ले दिखाते हैं अलग से, वही है वो, तो ये अच्छी बात नहीं है ना प्रभु जी। गीता जी देखिए जलाते हमारी, वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि जो ब्राह्मण है इन्होंने गीता का जो सिद्धांतिक रक्षण है वो करना चाहिए। अब ब्राह्मण चला गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके पैसा कमाने, जो क्षत्रिय है जिन्होंने अपनी जान की आहुति दे के धर्म को बचाना चाहिए, वो पैसा उड़ा के लौंडियाबाजी करने में लगे हुए हैं, पब में जाके नाचने में लगे हुए हैं। जो वैश्य है जिन्होंने धन कमा के धार्मिक कार्य करने चाहिए, वो काला का गोरा धन, गोरे का काला धन करने में लगे हुए। और नीचे जो लोग थे जिनका ये लोग ख्याल करते थे, उनको अब देखने वाला कोई नहीं है, तो वो अपना गुस्सा निकाल के, मतलब कहीं तो अपना बिल फाड़ना है, तो कभी गीता जला दो, कभी कुछ जला दो। लेकिन गीता का जो ज्ञान है, गीता का जो सेविंग नॉलेज है, ये जब तक हम प्रदर्शित नहीं करेंगे, ऐसे मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले ऐसा काम किए थे, लेकिन अब हरे कृष्णा आंदोलन के माध्यम से उनको समझ में आया कि गीता में क्या है, आज वो गीता को पूछते हैं और क्षमा याचना करते हैं। तो देखिए, किसी चीज की महिमा को बताइएगा तो आदमी उसको सर से लगाए, और अगर आप वो फिर तो नॉर्मल लड़ाई झगड़ा करके क्या कर लीजिए, आप उस गीता को थोड़ी बचा सकते हैं। गीता जो कॉपी जल रहा है, चलो उसको बचा भी लिया, उससे गीता तब बचेगी जब हम उसको हमारे जीवन में हमारे सोसाइटी में उतारेंगे। तो गीता बेस्ड सोसाइटी हमको खड़ा करना है, ठीक है। बाकी ये सब इंसिडेंट्स को अभी तो हमारे क्षत्रिय हैं नहीं, तो ये लीगल पुलिस और जो डिपार्टमेंट्स है इनका काम है, क्योंकि अगर इक्वल राइट्स दिए हैं तो गीता को जलाने का राइट्स तो नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों को अरेस्ट करके बिहाइंड द बार्स डालना चाहिए। तो ये बात है, ये मैं बहुत सोबरली कह रहा हूँ क्योंकि ये भागवतम क्लास है। ये सर शशिलता माता जी आप पूछ सकते हैं, फिर राहुल जी आप पूछिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने बताया कि कृष्णाचार्य और कृतवर्मा जो इन लोग थे, इन लोग ने भी अश्वत्थामा के साथ में फिर पांचाल के जो खेमा था उसमें बहुत लोगों को मारा, तो कृपाचार्य तो महाजनों में आते हैं ना, तो फिर उनकी बुद्धि ऐसे, मतलब ऐसे उनको वो कैसे सपोर्ट किए अश्वत्थामा? कृपाचार्य महाजन में नहीं आते ना, कृपाचार्य का नाम है महाजन, कृपाचार्य का नाम नहीं महाजन। अच्छा 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 प्रभु, लेकिन फिर भी वो तो ब्राह्मण थे। नहीं, और नहीं नहीं, वो आपको मालूम है युधिष्ठिर इतना महान है कि कृपाचार्य ने इतना घिनौना काम करने के बाद भी जब उनका साम्राज्य बना, उन्होंने कृपाचार्य को ही, जो वो होता है ना लाइक गुरु का एडवाइजर, जैसे पहले थे वो, पहले धृतराष्ट्र के एडवाइजर थे, फिर वो युधिष्ठिर के एडवाइजर, वो उन्हीं को रखा। हमारे वैष्णव बहुत महान होते हैं। कृतवर्मा, कृतवर्मा तो वासुदेव जी के ही, मतलब कृष्ण के ही ये थे ना, उनके नारायणी सेना के ये थे ना सेनापति, तो फिर उनसे कर मतलब कैसे किया? नहीं नहीं नहीं, आप लोग है ना कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि युद्ध मतलब, देखो दो युद्ध थे, किसी युद्ध में धर्म को बाहर लाना था तो भगवान ने धर्म को जीता दिया, ठीक है, एक बार जो जीत गया उसका इतिहास होता है, समझे। और उसके बाद कृतवर्मन जो है, तो ये तो भगवान के ऑर्डर पे गया था ना, वो थोड़ी उधर लड़ने गया था, तो भगवान ने बोला कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो या तो मुझे ले लो या तो नारायणी सेना ले लो, तो वो तो वहां गया, तो अब उसको लॉयल्टी दिखाना पड़ेगा ना, वो तो कृष्ण का ऑर्डर फॉलो कर रहा है, बात समझिए। अब शिवजी खुद बोलते हैं अश्वत्थामा को, ये स्टोरी में पूरा नहीं बता पाया, शिवजी खुद बोलते हैं अश्वत्थामा को, अरे कृष्ण मेरे प्राणधन है, लेकिन क्योंकि इन पांचालों का समय आया है इसलिए मैं तुम में प्रवेश करके ये कार्य करूंगा, बात समझिए। वहां तो और भी कारण से मर सकते थे, फूड पॉइजनिंग से मर सकते थे,
या कुछ और कारण से मर सकते थे, लेकिन वो ये बनना चाहता था निमित्त, तो उसने प्रवेश कर दिया। तो हमको ज्यादा है, हम लोग क्या होते ना, ओ माय गॉड मेरे साइड से है तेरे साइड से, वहां इलेक्शन नहीं चल रहा है, वहां हर कोई अपना धर्म निभा रहा है, बात समझ रहे हैं। वहां भीष्म तो महाजन तो भीष्म थे, हाँ। वो तो अटैक किए, वो तो लड़े सबसे। तो ऐसा नहीं होता है, धर्म की जो व्याख्या है वो है कि भगवान का जो शब्द है उसका पालन करना है। उसके भी बहुत सारे डेफिनेशन है, इसके लिए हमेशा मंत्रणा होती थी, ऐसे नहीं कि कोई भी उठ के मारा मारी करे। इसलिए कृपाचार्य ने कहा भी था अश्वत्थामा को कि चलते हैं हम विदुर से भी सलाह लेते हैं, पर ये माना नहीं, ये रेज में चला गया। तो अब रेज में गए तो इसके पीछे पीछे भी जाना था, तो इसलिए लोग भी गए। और जब गुस्सा आता है तो कुछ नहीं देखा जाता है, मारना चालू होता है तो फिर ये सब रूल्स रेगुलेशन का ज्यादा उधर वो कोई बुक लेके नहीं बैठता, हाँ इसको मारना है क्या, सेक्शन 5 मार दो, सेक्शन 6 मार, ऐसा नहीं होता है। वहां वो व्यक्ति व्यक्ति होता है ऐसा है। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। राहुल जी फिर आपका क्वेश्चन लेके हम लोग एंड करेंगे। यस हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु। एक्चुअली ह्यूमन राइट्स के बारे में एक छोटा सा, अभी भी लोग बोलते हैं ना पंछियों को पानी दो, तो वो एक्चुअली चिकन खाने वाले भी वैसे ही बोलते हैं आजकल, वो याद आया था, वो शेयर करना था। हाँ, तो सवाल ये है प्रभु कि अभी आज जो टॉपिक हुआ उससे रिलेटेड रिलेवेंट हमारे लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला बिल्कुल एथिक्स ना पालते हुए हमें हार्म करता है, चाहे वो किसी चीज में प्रॉपर्टी में या किसी चीज में फंसाना हो या अपमानित करना हो या मारना ताड़ना हो, जो भी करता है, तो हमें ये रिटेलिएशन का भाव नेचुरल आ जाता है। तो हमने एज ए साधक इसको कैसे देखना है, क्योंकि वो पेशेंस नहीं रहता है कि इसको भगवान देख लेंगे या तो नियति देख लेगी, इसको उसका कर्मों का दंड मिलेगा, पर वो सहन नहीं होता है, तो कैसे करे इस पर? नहीं, इसमें भगवान को लाने का जरूरत ही नहीं है, उसने एक्शन किया आपने रिएक्शन दिया तो रिएक्शन दो, आप जाके किसी का बस बुरा करो, दोनों में फर्क है। फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रेन में सीट है, कंफर्म है, और आपसे पहले कोई आके बैठ गए और आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो, नहीं उठ रहा है, तो फिर तो आपको पुलिस को बुलाना पड़ेगा, गाली वाली देना पड़ेगा, फिर उठेगा। तो ऐसे नहीं होता है कि हर चीज यहाँ संघर्ष से ही मिलती है, बात समझिए। कई बार हम किसी को लोन दे देते हैं और वो चुकता ही नहीं करता है तो आपको बोलना पड़ता है। कई बार कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो डिपेंड है उस ब्लैकमेल को कितना घास डालना है, तो कंपलसरी नहीं है। तो उधर भगवान को लाने का जरूरत ही नहीं, आपको आपका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपके पास ही भगवान ने दे के रखा हुआ है, उसके लिए भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? शायद उसके लिए शायद से मुझे मेरी गलती हुई सवाल पूछने में, मुझे ये पूछना था कि बदले की भावना को कैसे कंट्रोल करें या उसकी तरफ कैसे देखें। नहीं, बदले की भावना नहीं है ना, वो रिएक्शन है, वो तो देना पड़ेगा आपको। अगर मुझे बताइए, आपको आपका जो सीट है वो कोई ले लिया तो आप उसको दे दीजिएगा? चलो आपका सीट है ठीक है, आपका भी दे दिया ठीक है, लेकिन आपकी वाइफ है जो बूढ़ी है, जिनको पांव में दर्द है, बैठने को जगह नहीं, उनके लिए आपने अलग से एजेंट को पैसा देके टिकट बनाया और ये हट्टा कट्टा यंग आदमी उस पर बैठ रहा है और आपका सीट है, तो आप क्या करिएगा? ओ माई गॉड, नो रिटेलिएशन, बदले की भावना नहीं है ऐसा नहीं प्रभु, किसी ने अपमानित किया, प्रताड़ित किया, उसकी बात कर रहा हूँ, तो बदले की भावना तो चैन से बैठने नहीं देती है। तो नहीं, वो अपमानित किया है या प्रताड़ित किया है तो रिएक्शन करिए, अपमानित किया है तो बोलिए कि हो सकता है तुम्हारे बोलने में कुछ सच हो, ऐसा बोल के वहां से निकल जाना है। प्रताड़ित कर रहा है तो ठोक दो, पप्पी लेने कौन बोला है, मैं तो मेरे क्लासेस में कभी नहीं बोला हूं ठोको, हमारे ग्रुप में स्क्रीनशॉट निकाल के शेयर करो मैं तो हमारे गुरुकुल के बच्चों को भी बोलता हूँ कि रिस्पेक्ट, सबको रिस्पेक्ट करो, कोई वर्बल आर्गुमेंट करे तो उसको जवाब दो, कोई फिजिकल करे तो सब लोग एक साथ जाके ठोक दो उसको अभी भी दो बच्चे आए थे मुझे मिलने, बोलते प्रभु जी वहां जा गए हैं वो लोग ऐसा कर रहे हैं, मैंने बोला एक काला चादर करी दो रात में डपदप ठोको कभी कभी कुछ लोग फॉर ग्रांटेड तकलीफ देते हैं, तो
ओके चलता है अपनी तरफ से जाके नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके क्वेश्चन टाइम खत्म हो, मैं आपका आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूँ। यस बोलिए। मेरा एक प्रश्न था कि हमारे सोसाइटी में ना जैसे बहुत लोग हमारे साइड में मीठे मीठे से बात तो करते हैं बट अश्वत्थामा जैसे पीछे से प्रहार भी करते हैं या मे बी कभी कभी ऐसा कराते हैं जैसे हम लोग को फील नहीं होता कि हमें रिस्पेक्ट दे रहे हैं या मे बी, तो ऐसे कैसे डील कर रहे ऐसे लोगों के? नहीं नहीं अभी अभी फिलहाल है ना कलयुग में एक्चुअली कोई किसी को रिस्पेक्ट दे ही नहीं रहा है, मतलब फॉरगेट आपका बिल्डिंग या आपका केस या आपका नेबरहुड, कोई किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। बच्चे पिता को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। अभी परसों मेरे पास 3 दिन पहले एक स्कूल के प्रिंसिपल आए थे जिनका वो स्कूल ही है, हस्बैंड वाइफ मिलके चला रहे 15 साल से, 300 बच्चों को हॉस्टल भी है, और वो अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए मेरे पास आए थे और बोले मेरे पास जमीन है मैं वहां गुरुकुल खोलूंगा, मुझे बताइए क्या क्या करना है। मैंने बोला लेकिन आपका तो स्कूल है। बोले वो असुरी स्कूल है। बच्चे पांव तक नहीं छूते, गुड मॉर्निंग सर गुड इवनिंग सर तक नहीं करते हैं। वो मतलब इतना गुस्सा हो गया था, मुझे लगा जैसे 300 बच्चों ने कुछ बदमाशी की है। तो देखो आजकल ना पेरेंट्स को कोई रिस्पेक्ट दे रहा है ना टीचर्स को, ना टीचर कुछ कर रहे हैं, और कमर्शियलाइजेशन इतना हो गया कि अब धार्मिक क्षेत्रों में भी कमर्शियलाइजेशन हो गया है, तो वहां का भी रिस्पेक्ट कम हो गया है। तो ले देके अभी सोसाइटी में सबको यही फीलिंग आ रहा है, तो आपका फीलिंग अपने आप में सोशल भी है, और दूसरा है कि जनरली लोग दुनिया में कंपटीशन करते हैं, आपके पास कार है तो दूसरा कार वाला जलेगा, बाइक वाला नहीं, अगर आप बाइक वाला है तो दूसरे बाइक वाले से जलेगा, वैसा है कोई प्राइवेट जेट वाला है तो दूसरे प्राइवेट जेट वाले से, वो जिंदाल है वो बिरला से बिरला कम्पीट करता है, आपका नाम भी नहीं लेता होगा। तो हर एक का दुनिया में एक साइड में रखा हुआ है जिसको भगवान लेके प्यूरिफाई करते रहते हैं। तो चलता है उतना लाइफ में, इतना नहीं सोचने का, हमें सबसे फ्रेंडशिप बनाना है, हम लोगों के काम थोड़ा बहुत आते रहे तो लोग हमसे रिलेशन बनाते रहेंगे, और कभी कभी काम पूरा हो जाने पर हमको छोड़ के भी चले जाएंगे, ये भी सत्य है। तो जस्ट लिव द लाइफ, नो दैट इस दुनिया में आप अकेले हो, हाँ, और अकेले आए हो अकेले जाओगे, बस कृष्ण को याद करके कृष्ण के साथ चले जाओगे तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो फिर पुनर्जननम पुनरपि मरणम है ही। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बाकी हम सब कल मिलेंगे और शाम में 5 बजे मिलेंगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण राम।